इकरा बिस्मी रबी कल्लाजी खलक। ऐ मोहम्मद, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तुम्हें जिसने पैदा किया। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागरी। रबी जितनी उलमा, ऐ अल्लाह मेरे इलम में इजाफा कर। ए व्यू ने सबका पुराना जड़ा स्कूल सी जिसका नाम सी बाबा गुरु नानक खालसा हाई स्कूल, जो कि प्री पार्टीशन सी, उस तो बाद इनू जिहड़ा नाम मैं हुण तुहानूं पढ़ के सुनाया, ये वो स्कूल है। ये तारीखी स्कूल है सागरी शहर का। सागरी शहर वो शहर, तारीखी शहर है जिहड़ा कि इत्थे हिंदुआ और सिखा ने खिता पठवार दे विच वसाया सी। सागरी नूं बहुत ज़्यादा पजीराई मिली जदों के औरंगजेब दे दौर तो बाद जदों सिखां दे सिर ते मोल रख्या गया ते सिख लाहौर शहर नूं छड़ के पंजाब नूं छड़ के ते नॉर्थ वैसट पंजाब वाले पासे टुरना शुरू होए तो उन्होंने फिर डिफरेंट कम्यूनिटीज़ लभनियां शुरू कर दित्तियां, डिफरेंट जगह नूं लभना शुरू कर दिता। उत्थे आके वसनीक, उत्थे दे वसनीक बने, उत्थे आके नवीं नवीं जगह उन्होंने आबाद कीतियां, जिन्हां दे विच जिहड़े शहर आबाद कीते डेफिनेटली उन्हां दे विच गुरद्वारे भी बनाए। उत्थे फिर उन्होंने पढ़ाई की जदों जरूरत पई तो पहले धर्मशाला सन, फिर उस तो बाद स्कूल बने। ऐ प्यारे ऐ सोहने स्कूल जड़े ने बाबा गुरु नानक खालसा हाई स्कूल, जिस तरह संत सिंह खालसा हाई स्कूल पहले तुहानू मैं दिखा चुकिया वा गुजर खान का, फिर उस तो बाद फैसलाबाद वाला, फिर उस तो पहले तुहानू मैं गुजरांवाले का दिखाया, रावलपिंडी का मैं तुहानू खालसा हाई स्कूल दिखाया, तो अज मैं तुहानू वीर गुरप्रीत आनंद जी दे फोर फादर्स ने जिहड़ा है स्कूल बनाया सी जिन्हों गुरु नानक खालसा हाई स्कूल का नाम दिता गया सी। ए ओ इतिहासिक स्कूल है जिथे आनंद फैमिली ने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दी और गवर्नमेंट ने भी इन्हों की फिर मदद की थी, और यह स्कूल जिहड़ा उस वेले सागरी हाई स्कूल कहलाया। पहले मिडल सी, मिडल तो बाद फिर इन्हों हाई का दर्जा दिता गया। देखो दी बिल्डिंग आज भी कितनी फ्रेश, कितनी खूबसूरत है। मैं लास्ट टाइम भी आया तो स्कूल दी टीम ने मेरे ना बहुत तावन किया सी और उन्होंने मेरे ना बड़ा अच्छा बिहेव किया, हेडमास्टर साहब मैं मिले सन, तो हूँ मैं फिर आया वहाँ स्कूल दे। बाबा जी की नाम है तुहाडा? मोहम्मद सलीम। बाबा जी ने, मोहम्मद सलीम साहब ने इत्थे स्कूल दे च एज ए जिहड़े ने ड्यूटी कर रहे ने, केयर टेकर ने। ओ बोर्ड का दरखत है जिहड़ा कि सिख दौर दे च हर तारीखी मुकाम दे उत्ते लाया गया सी। इस स्कूल दे विच ए ओ है कि जो गर्मियों के स्टूडेंट्स जो गर्मी तो तंग आ जाते सन, इतने बिजली नहीं सी तो फिर बच्चे दे थले आके बैठते सन। और वैसे भी बोर्ड के दरखत नूं बुजुर्ग दरखत का नाम दिता गया है कि यह बुजुर्ग है, ये बाबा जी ने, बाबा बोर्ड कहा जाए उन्होंने। तो यह देखो तुसी फ्रंट एलिवेशन जिहड़ा है गुरु नानक खालसा हाई स्कूल और अजकल जिहड़ा है हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ सागरी दे नाम तो याद किया जाता। इत्थे दी जिहड़ी है वॉलीबॉल दी टीम उस वेले भी बड़ी मशहूर सी और अज भी, क्यों बाबा जी? वॉलीबॉल दी टीम और इत्थे दे जिहड़े जवान ने उन्हां दी हाइट बहुत अच्छी है, इस वास्ते कबड्डी दे पहलवान इत्थों बहुत निकले और उस तो बाद इस दे बहुत ज़्यादा जिहड़े सन वो वॉलीबॉल दे जिहड़े ने, अज भी इत्थे वॉलीबॉल दा जिहड़ा है ना मैच हुंदा है, फुटबॉल हुंदा है और दूसरी एक्टिविटीज़ जिहड़ियां ने वो आज भी होंदियां ने। ए मेन हॉल है, यह एंट्रेंस है, एंट्रेंस तो बाद अगे वड्डा हॉल है जिहड़ा कि तमाम गुरु नानक खालसा हाई स्कूल दे विच तुहानू ए नज़र आएगा। यह देखो तुसी, यह मेन गेट है, यह जिहड़ा बाहर रोड आ रहा कलर सहीदा वाले पासों रावलपिंडी वाले पासों, उत्थे यह गेट बनया है, ए बाहरले पासे मोनोग्राम बनया होया जिथे कभी जिहड़ा सी आनंद फैमिली जिहड़ी सी वो इत्थे दी रिस्पोंसिबल सी और वो इत्थे पढ़ाते सन। ऐ बेहतर तरीके नाल वीर गुरप्रीत आनंद जी इस मुतलक दस सकते हैं, क्योंकि अज मैं कोशिश की है कि बाबा फजल हुसैन साहब नाल मेरी मुलाकात होवे, लेकिन वो बावजे मेरा ख्याल बीमारी वो कार मौजूद नहीं है, यहाँ तो एडमिट ने तो यहाँ कि डॉक्टर को गए हुए सन, इसलिए उन्होंने मेरी अज मुलाकात नहीं हो सकी। तो मैं थोड़ा लैके हैं इतिहासिक गुरुद्वारा, इतिहासिक सॉरी स्कूल गुरु नानक खालसा हाई स्कूल और मौजूदा जोड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल सागरी गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो इस वेले आज दी शाम सागरी दे नाम गुरप्रीत आनंद जी दे नाम और उन्होंने वड्डियां दे नाम, मैं बड़ी खुशी होंदी है जदों मैं कोई भी किसी का भी अच्छा काम किया होया मैं दिखाना वा, ख्वाह मुस्लिम है, ख्वाह सिख है, ख्वाह वो हिंदू है, ख्वाह वो ईसाई है, जिन्हें कोई पुण्य का काम किया, जिन्हें कोई नेकी का काम किया, अज देखो जनरेशन्स ने अज है, ए देखो ए लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, इतने बास्केटबॉल होंगे, इतने वॉलीबॉल होंगे, जो लोग खेलते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने लोगों को जरूर याद करते होंगे जिन्होंने ये जगह डोनेट किया, जिन्होंने ये जगह जी स्कूल के नाम की है। आओ मैं तुम्हें खेड के मैदान का
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਉਨਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸਨ ਉਹ ਤਨਾਵਰ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਗਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ 6 ਫਿੱਟ ਟੋਲ ਨੇ। ਸਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਤਨਾਵਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾਈ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਆਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੂਹ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੂਹ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਲੋਕ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਬਲੋਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਰੇ ਨੇ? ਚਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, 8 ਅਤੇ 8, 16 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 16 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਗਰ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਏ ਔਰ ਬੀ, ਅਲਿਫ ਔਰ ਬੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਾਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ।